हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हमारे पास है यमहा की FZ-FI का लेटेस्ट 2024 वेरिएंट का न्यू कलर वेरिएंट, जो कि न्यूली लॉन्च किया गया है यमहा कंपनी की तरफ से। 155cc सेगमेंट की एक ऐसी बाइक है जिसका वेट भी आपको काफी लाइट वेट मिलता है, साथ ही साथ परफॉर्मेंस और माइलेज भी काफी बेहतर मिलता है। नेकेड स्पोर्ट सेगमेंट की ये बाइक है जो कि काफी अच्छा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती है, और ये न्यू कलर वेरिएंट है जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल में देंगे। 2024 के नए अपडेट में इस बाइक में आपको क्या नए अपडेट देखने को मिलेंगे, प्राइस से लेके फीचर्स सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आमोद कुमार, आप देख रहे हैं राइडर एकेवी। वीडियो अच्छी लगे तो अपनी तरफ से लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। सबसे पहले कलर वेरिएंट के बारे में जान लीजिए। तो ये FZ-FI का लेटेस्ट कलर वेरिएंट है जो कि आपको मैट शियान कलर के नाम से देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसमें आपको ब्लैक कलर वेरिएंट भी मिल जाएगा। कलर वेरिएंट काफी प्यारा लग रहा है मुझे, आपकी इसमें क्या राय है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। करंट में इसकी एक शोरूम प्राइस आपको 1,16,500 रुपीज, 1,16,500 रुपए एक शोरूम प्राइस आपको मिल जाएगी। कंप्लीट ऑन रोड प्राइस आपको 1,50,000 to 1,55,000 रुपीज, 1,50,000 to 1,55,000 रुपए के बीच में कंप्लीट ऑन रोड प्राइस मिलेगी। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये बाइक सबसे ज्यादा पॉपुलर है अपने लाइट वेट की वजह से, और साथ ही साथ नेकेड स्पोर्टी लुक के साथ हाई परफॉर्मेंस की वजह से काफी पॉपुलर है। 149cc का 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 फेज 2 इसमें आपको इंजन मिल जाएगा। 12.4 PS की मैक्स पावर मिल जाएगी 7,250 RPM पे, और 13.3 Nm का मैक्स टॉर्क मिल जाएगा 5,500 RPM पे। इंजन रीडिफाइन है तो इंजन में स्मूथनेस आपको काफी बेहतर मिलेगी, वाइब्रेशन आपको नहीं मिलेगा, फन टू राइड आपको मिल जाएगी। ट्रांसमिशन में आपको 5 गियर मिल जाएंगे, और साइड स्टैंड में साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सिस्टम भी मिल जाता है, जो इसका इनिशियल टॉर्क है किसी तरह से लैक नहीं करता है, तो परफॉर्मेंस आपको काफी बेहतर मिलेगी। इंजन के नीचे इंजन काउल आपको मिल जाता है जो कि स्पोर्टी लुक भी प्रोवाइड करता है बाइक को, और साथ ही साथ इंजन को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। टैंक पे E20 की बैचिंग मिल जाएगी, तो श्योर हो जाइएगा कि लेटेस्ट OBD2 मॉडल है जिसमें दो तरह का पेट्रोल पड़ेगा, पहला जो आप नॉर्मली डलवाते हैं, दूसरा आप इसमें एथेनॉल मिक्स वाला पेट्रोल डलवा सकते हैं जिसे फ्लेक्स फ्यूल भी कह सकते हैं। 13 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, और टैंक काफी मस्कुलर देखने को मिलेगा जो कि लुक को भी इनहेंस करता है। फ्रंट प्रोफाइल में मेन हेडलैम्प अब आपको फुल LED सपोर्टेड हेडलैम्प देखने को मिलेगा, ऊपर भी आपको LED हेडलैम्प सेटअप देखने को मिलेगा, नीचे आपको एक पायलट पोजीशन बल्ब देखने को मिल जाता है जो कि इसके लुक को और भी ज्यादा रोबोटिक लुक प्रोवाइड करता है। जो इंडिकेटर है रेगुलर डिजाइन के बल्ब वाले इंडिकेटर मिल जाते हैं। रियर प्रोफाइल का जो टेल लाइट है वो भी आपको रेगुलर डिजाइन का मिलेगा, और रियर के इंडिकेटर भी आपको बल्ब वाले देखने को मिलेंगे। रियर से लुक भी आपको काफी बेहतर मिल जाएगा, स्पोर्टी लुक आपको मिलता है। साइड में आपको साइड रिफ्लेक्टर भी मिल जाएगा। सिंगल ट्यूबलर हैंडल बार इसमें आपको मिलते हैं ब्लैक कलर का, जो कि काफी बेहतर स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। स्विचिंग क्वालिटी में लेफ्ट हैंडल बार पे इंटीग्रेटेड स्विच मिलेगी, लो बीम हाई बीम पासिंग स्विच, साइड इंडिकेटर स्विच और हॉर्न स्विच मिल जाता है लेफ्ट हैंडल बार पे। फ्रंट से व्यू आपको काफी बेहतर और काफी यूनिक मिलेगा, राइडिंग पोस्चर भी आपको काफी बेहतर मिलता है। सेंटर में यहाँ पे आपको इग्निशन स्विच मिल जाती है जिसको ऑन करने के बाद आप इसका मीटर कंसोल देख पाएंगे। मीटर कंसोल फुली डिजिटल मीटर कंसोल रखा गया है जिसमें आपको ओडोमीटर, टैकोमीटर, ट्रिप मीटर, लो फ्यूल इंडिकेटर, ये सारी चीजें आपको मिल जाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें आपको काफी कम मिलते हैं, बट मीटर कंसोल काफी बेहतर है। एक चीज मुझे इसके मीटर कंसोल में नहीं पसंद आती है, जो कि मैं हमेशा से बोलते आ रहा हूँ, मीटर कंसोल की जो स्क्रीन की साइज है वो मुझे काफी कम लगती है। इसके स्क्रीन की साइज को थोड़ा सा और अगर बढ़ा दिया जाए तो ये और भी ज्यादा बेटर हो सकती है, बट यहाँ पे स्क्रीन साइज आपको छोटी ही मिलेगी। साइड में आपको एक बटन भी प्रोवाइड की जाती है जिससे कि आप मीटर कंसोल के फंक्शन को ऑपरेट कर पाते हैं, ट्रिप मीटर को सेट कर पाते हैं न्यूट्रल इंडिकेटर के साथ, ABS इंडिकेटर और इंजन मॉल फंक्शन लाइट इंडिकेटर भी आपको इसमें मिल जाते हैं। स्विचिंग क्वालिटी काफी बेहतर है, स्विचिंग क्वालिटी पे एक बार फिर से नजर डालते हैं। मिरर आपको रेगुलर डिजाइन के मिलते हैं, ब्लैक फिनिश में रखा गया है, क्रोम की फिनिशिंग आपको यहाँ पे कहीं नहीं मिलेगी। राइट हैंडल बार पे इंजन की ऑन ऑफ स्विच के साथ पावर सेल्फ स्टार्ट स्विच मिलेगा। टैंक काउल काफी मस्कुलर है, टैंक पे आपको यमहा की ब्रांडिंग मिल जाती है, ब्रांड लोगो, और टैंक काउल पे आपको FZ की ब्रांडिंग स्टिकरिंग में मिल जाती है। आगे आपको वेंट जैसा लुक मिल जाता है जो कि लुक को भी इनहेंस करता है। कंप्लीट FI सिस्टम इसमें आपको मिलता है, तो फ्यूल इफिशियंसी भी आपको काफी बेहतर मिलेगी, माइलेज भी काफी बेहतर मिलेगा। अगर आप इकोनॉमी मोड में चलते हैं तो आप इस बाइक से 55 to 60 तक का माइलेज आप आसानी से ले पाएंगे। सीट कम्फर्ट काफी बेहतर है, सिंगल सीट इसमें आपको मिलती है, कम्फर्ट से रिलेटेड इसमें आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, कम्फर्ट काफी अच्छा है। ऊपर आपको ग्रैब रील मिल जाता है जो कि आपको
मैट ग्रे कलर में देखने को मिलेगा। लुक वाइज ये भी काफी ज्यादा इनहेंस करता है इसके लुक को। साइड से लुक आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। फ्रंट का सस्पेंशन टेलीस्कोपिक फॉर्क रखा गया है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, काफी बेहतर सस्पेंशन क्वालिटी आपको मिल जाएगी। फ्रंट का ब्रेक आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा, 282mm डिस्क की साइज रखी गई है और सिंगल चैनल ABS का सपोर्ट इसमें आपको मिल जाएगा। ब्रेकिंग नो डाउट काफी बेहतर हो जाती है। 100x80 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर आपको मिल जाएगा और ब्लैक कलर के स्प्लिट टाइप के अलॉय व्हील इसमें आपको मिल जाएंगे जो कि लुक को भी काफी इनहेंस करते हैं। रियर का सस्पेंशन 7-स्टेप एडजस्टेबल मोनोक्रॉस सस्पेंशन आपको मिलेगा जिसे आप 7 स्टेप तक एडजस्ट भी करवा पाएंगे, तो ये भी काफी सही चीज है। रियर ब्रेक में भी डिस्क ब्रेक मिलेगा, 220mm डिस्क की साइज रखी गई है बट रियर में आपको ABS का सपोर्ट नहीं मिलता है। रियर टायर की साइज आपको 140x60 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर मिलेगा। पीछे वाले टायर की चौड़ाई भी काफी बेहतर मिलेगी। टायर पे आपको हैगर गार्ड मिल जाता है जो कि बारिश के टाइम में काफी अच्छा हेल्प भी प्रोवाइड करता है। बॉक्स टाइप का स्विंग आर्म इसमें आपको मिल जाएगा और एग्जॉस्ट आपको काफी स्पोर्टी अंदाज में मिलेगा जिसपे आपको डुअल टोनिंग के साथ मफलर कवर भी मिल जाता है। 790mm सीट की हाइट रखी गई है तो सीट हाइट काफी बेहतर है, एवरेज हाइट के बंदे भी इसे आसानी से राइड कर सकते हैं। मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस आपको 165mm का मिलेगा, इंडियन रोड के हिसाब से काफी बेहतर है और 135kg का इसका ओवरऑल वेट आपको मिलेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि काफी लाइट वेट ये बाइक होने वाली है, तो कैसी लगी बाइक और कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी तरफ से लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ नए फ्रेश अपडेट के साथ, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।